हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौका। नाउ प्रीवियसली हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.1 में नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है, ये दोनों सम्स जो है वो अच्छी तरह से कर लिए। आई होप कि आप लोगों ने दोनों सम्स अपनी नोटबुक में खुद प्रैक्टिस करके लिखे होंगे और आपको दोनों समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या है कि जितने भी पूरी ज्योमेट्री में जितने भी सम्स करते हो आप, कोई थियोरम है, ठीक है, कुछ भी है, कोई एप्लीकेशन है, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा आपको कि एक्चुअली में वहाँ पे बोला क्या गया है और आपको कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो कौन सा वे आपको चूज़ करना है उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी हैव टू फाइंड, ओके। सो वी नीड टू अप्लाई सम प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू आवर प्रूफ, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो फिगर्स गिवन थी, ठीक है, उसमें क्या किया, जो भी यहाँ पे एंगल्स गिवन थे, रेशियो गिवन था, उसको हमारी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आगे फाइंड करके जो अननोन एंगल्स थे उसको फाइंड किया, ओके। सो सेम नेक्स्ट जो सम आने वाला है उसमें भी वैसा ही करना है आप लोगों को। वहाँ पे फिगर गिवन होगी बट ऐसा कोई पर्टिकुलर बोला नहीं जा सकता कि सारे जितने भी आप लोगों के सम है उसमें आपको कोई पर्टिकुलर एंगल गिवन होगा या तो कोई ऐसी चीज़ गिवन होगी जिससे आप ऐसे इजीली प्रूव कर सकते हो, ठीक है, कोई मेजरमेंट्स गिवन होंगे, कोई मैग्नीट्यूड या ऐसा कुछ भी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई बेसिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो आपको प्रूव करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्योरी, ठीक है। सो आपको थ्योरी भी आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एंगल्स में तो क्या था कि एक गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपने अदर एंगल्स जो थे वो फाइंड कर लिए, यहाँ पे आपको रेशियो गिवन था, ये आपको परपेंडिकुलर गिवन था, तो इसका यूज़ करके आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ वहाँ पे थ्योरी बेस्ड भी आपको कोई प्रूफ्स देने होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नंबर 3, ओके। चलिए नंबर 3 में अगेन आपको एक फिगर गिवन है और उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर को अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है। सो देयर इज अ लाइन, एंड यहाँ पे आपको ST लाइन गिवन है, दिस इज योर पॉइंट S एंड हियर पॉइंट T, ठीक है, ST लाइन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अभी वहाँ पे ये जो लाइन है ST, उसके ऊपर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, और ये जो ट्रायंगल है वो आपका PQR ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको ऐसे एक एंगल गिवन है और सेम यहाँ पे गिवन, दैट मीन्स अभी देखो ये दोनों साइन आपको सेम लग रही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डबल। मैंने आप लोगों को जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी जब एक्सप्लेन की थी तब मैंने क्या बोला था, ऐसे यहाँ पे सिंगल है तो वहाँ पे भी सिंगल ही है, ये एंगल का सिंबल होता है। बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि वो दोनों सेम होते हैं, सिर्फ एंगल को शो करने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वो दोनों एंगल्स इक्वल है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सम में इक्वल होगा, कौन से में इक्वल नहीं होगा, गिवन होगा और नॉट। सो आप लोगों को वहाँ जो क्वेश्चन लिखा होगा उसमें मेंशन किया होगा कि ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है। अगर यहाँ पे ऐसे डबल यहाँ पे होता साइन जो है वो डबल कर्व होता यहाँ पे दोनों साइड, सो बोथ आर इक्वल अगेन, ठीक है, बट एक सिंगल और एक डबल, सो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ओके। सो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है हमारा। इन फिगर नंबर 3, इन फिगर जो आपको यहां पे फिगर गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको गिवन है एंगल PQR, एंगल PQR, चलिए PQR यानी ये वाला एंगल इक्वल्स टू कौन सा एंगल गिवन है PRQ,
पी आर क्यू, देखिए पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये वाला है ना, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दोनों एंगल्स जो है विच आर इक्वल, ठीक है। सो देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ठीक है। चलिए आप लोगों को जो इंटीरियर एंगल्स है वो दोनों इक्वल गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस यानी ये एंगल इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, पी आर टी यानी ये ऊपर वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल दिखाना है। अभी देखो आपके पास ये दोनों इक्वल है और आपको ये एंगल और ये एंगल इन दोनों को इक्वल दिखाना है। सो यू कैन इजीली सीन दैट कि यहाँ पे आपकी लीनियर पैर बन रही है, देखिए यहाँ पे भी लीनियर पैर बन रही है और यहाँ पे भी लीनियर पैर बन रही है, ठीक है। सो इन दोनों के लिए हम लीनियर पैर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों एंगल्स के लिए विच आर द लीनियर पैर एंगल्स, ठीक है। ये दोनों एंगल्स ऑफ लीनियर पैर हो जाएंगे, सो इन दोनों का प्लस 180 हो जाएगा। सेम फॉर दिस टू, इन दोनों का प्लस भी 180 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पैर हो जाएगी इन दोनों के लिए भी यहाँ पे, ठीक है। सो दोनों के लिए प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। चलिए फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर यानी पी क्यू एस यानी ये एंगल, पी क्यू आर यानी ये एंगल, उन दोनों का प्लस 180। बिफोर दैट आपको जो गिवन है वो लिखना है, आपको क्या गिवन है, आपको हियर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, गिव इट नंबर 1, ठीक है। उसको हमने 1 दे दिया ताकि जब उसका यूज़ करें तो रीजन में आपको 1 लिखने में इजी रहे। चलिए अभी लीनियर पैर प्रॉपर्टी, सो पी क्यू एस यानी ये एंगल प्लस पी क्यू आर यानी ये एंगल, इन दोनों का प्लस 180 होगा। सो नाउ फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं हम, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, गिव इट नंबर 2। एंड यहाँ पे भी ये दोनों में भी हम लीनियर पैर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सो पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल प्लस पी आर टी यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का प्लस 180 होगा। सो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, गिव इट नंबर 3। बोथ द इक्वेशन में हमने लीनियर पैर प्रॉपर्टी यूज़ की है, सो आपको ब्रैकेट में कंपलसरी मेंशन करना है लीनियर पैर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लीनियर पैर लिख दिया, ओके। नाउ सी यहाँ पे ये भी 180 है, ये भी 180 है, दैट मीन्स इन दोनों का प्लस जो है वो भी आपको 180 मिला और इन दोनों का प्लस वो भी आपको 180 मिला क्योंकि वो दोनों लीनियर पैर है ना, ठीक है। सो इन दोनों का प्लस भी 180 है और इन दोनों का प्लस भी 180 है, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का प्लस इक्वल्स टू इन दोनों का प्लस लिख सकता हूँ क्योंकि वो दोनों तो 180 है, ठीक है। सो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, चलिए इन दोनों का प्लस 180 है, इन दोनों का प्लस भी 180 है, सो इन दोनों का प्लस इक्वल्स टू 180 की प्लेस पे मैं इन दोनों का प्लस लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी 180 है, ठीक है। सो एंगल पी आर क्यू
प्लस एंगल पी आर टी लिख दिया मैंने इतना। चलिए अभी तक हमने जो भी ये प्रॉपर्टी यूज़ करके इक्वेशंस बनाए फ्रॉम टू एंड थ्री करके, ये जो हमने इक्वेशन बनाया ठीक है, उसमें हमने जो गिवन कंडीशन है उसका यूज़ नहीं किया ठीक है। चलिए गिवन कंडीशन क्या है आपकी, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, सो अभी उसका यूज़ करना है ठीक है। क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर यानी ये जो आपका एंगल है विच इज़ इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू यानी एंगल पी आर क्यू, सो आप पी क्यू आर की प्लेस पे पी आर क्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज पी आर क्यू की प्लेस पे पी क्यू आर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ठीक है। बोथ साइड्स आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ठीक है, बट या तो पी क्यू आर की प्लेस पे पी आर क्यू रखो तो फिर वापस पी आर क्यू की प्लेस पे पी क्यू आर नहीं करना है ठीक है, वो तो फिर वही हो जाएगा। सो हियर देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस, चलिए पी क्यू आर की प्लेस पे हम पी आर क्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो गिवन है, तो यहाँ पे एंगल पी आर क्यू, चलिए यहाँ पे जो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू के राइट साइड है, अगर उसको मैं लेफ्ट साइड ले लूँगा तो वो माइनस एंगल पी आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे तो इक्वल टू के राइट साइड जो एंगल पी आर टी है वो तो एज इट इज़ रहेगा ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने नंबर वन का यूज़ किया है, सो ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है फ्रॉम वन ओके। नाउ सी एंगल पी आर क्यू माइनस एंगल पी आर क्यू, दैट मीन्स वो तो ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स कट ठीक है, एंड रिमेन्स एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू क्या बचा, एंगल पी आर टी ठीक है। आपका जो गिवन कंडीशन है ठीक है, उसके ऊपर से आपको यही प्रूव करना था, देख लीजिए एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी ओके। सो योर रिजल्ट इज प्रूव्ड ओके, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। जो आपका ये जो स्टेप्स लिखने का जो तरीका है ठीक है, वो एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली मेथड होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज़ आपने यूज़ की गई है ठीक है, कंपलसरी उसको यहाँ पे मेंशन करना है आप लोगों को ओके। सो हियर योर रिजल्ट इज प्रूव्ड ओके। नाउ गो फॉर द फोर्थ वन, चलिए फोर्थ की जो फिगर है अगेन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको फोर रेज गिवन है ठीक है, ये जो पॉइंट है विच इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको ओ नाम गिवन है यहाँ पे ठीक है। ये आपका रे ओ सी, यहाँ ओ बी ठीक है, यहाँ ओ से डी एंड ओ से ए, सो देर आर फोर रेस ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ये चार रेस जो है ठीक है उसका जो एंड पॉइंट है विच इज़ कॉमन एंड दैट इज़ ओ, सो इन चारों रेस जो है उसको हम उसका कॉमन पॉइंट जो है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, सो यहाँ पे ओ वर्टेक्स है ठीक है, फोर एंगल्स जो है उसका कॉमन वर्टेक्स ओ है ठीक है। नाउ अभी वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स गिवन है ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका उसको वहाँ पे एक्स नाम दिया गया है ठीक है, ये आपका एंगल एक्स है, ये आपका एक्स, देन यहाँ जो एंगल है वो वाई है ठीक है, देन नीचे जो एंगल बन रहा है वो आपका जेड है, एंड
यहाँ ओ के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपका डब्ल्यू है, ठीक है। सो वहाँ पे फोर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ओके नाउ यहाँ पे आपको कुछ गिवन है, अगेन उसका यूज़ करके आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या गिवन है एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव। ओके सो नंबर फोर, ओके सो देर आर इन फिगर इफ, ओके आई होप इन फिगर इफ क्या गिवन है वहां पे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। अभी देखो वहाँ पे आपको एंगल की प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है, यानी x प्लस वाई, यानी x और y इन दोनों एंगल्स का प्लस जितना होता है उतना ही w प्लस z, यानी w प्लस z इन दोनों का प्लस करो तो भी आपको उतना ही मिलेगा, ये आपको गिवन है, ठीक है। सो x प्लस y इक्वल्स टू w प्लस z, देन प्रूव दैट, देन prove that AOV is a line, आपको क्या प्रूव करना है, AOB is a line। चलिए सबसे पहले यहां पे आप लोग समझ लीजिए, आपके पास सपोज ऐसे दो रे जो है वो कॉमन वर्टेक्स से यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये तो आपका 180 हो नहीं सकता, बट 90 से ग्रेटर देन होगा क्योंकि ये 90 है। सो 90 से ये ग्रेटर हुआ, अगेन ग्रेटर हुआ और यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन बन जाएगी, और ये लाइन बन जाएगी तो यहाँ पर आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लाइन है, ठीक है, ये 180 डिग्रीज का स्ट्रेट एंगल फॉर्म करती है। सो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी, उसको हमें लाइन प्रूव करना है। अगर ए ओ बी लाइन प्रूव करना है दैट मीन्स या तो स्ट्रेट एंगल ऊपर का या तो स्ट्रेट एंगल नीचे का, ठीक है, ऊपर या तो नीचे में से कोई भी एक स्ट्रेट एंगल जो है उसको मैं 180 प्रूव कर दूँ। सो हमारा जो प्रूव करना है हमें ए ओ बी इज अ लाइन, वो प्रूव हो जाएगा हमारा रिजल्ट। ओके सो क्या करना है, ए ओ बी के ऊपर का या तो स्ट्रेट एंगल दिखा दो, यानी कि ऊपर जैसे कि दो एंगल्स गिवन है तो दोनों का प्लस 180 दिखा दो, या तो नीचे जितने भी एंगल्स है उन दोनों का प्लस 180 दिखा दो, तो पूरा यहाँ पे 180 हो जाएगा, अदरवाइज ऊपर 180 हो जाएगा। सो या तो ऊपर स्ट्रेट एंगल बनेगा या तो नीचे स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है। सो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ओके सो वी नीड टू प्रूव स्ट्रेट एंगल ऑफ अपर साइड अप अदरवाइज लोअर साइड। ओके सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है। सो ए ओ बी के ऊपर यानी एक्स प्लस वाई को 180 दिखा दो, या तो नीचे जेड प्लस डब्ल्यू को 180 दिखा दो, तो प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी इज अ लाइन। ओके सो सबसे पहले चलिए, अभी आपको पता है कि ये जो पूरा सर्कल बनेगा वो कितने का होता है, 360 डिग्रीज का होता है ना। देखिए आप लोगों को पता है लाइन हो या ना हो, ये पूरा सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है ना, क्योंकि ऊपर भी 180 नीचे भी 180, दैट मीन्स ये पूरा 360 का। ऐसे लाइन हो कहीं पे भी हो, सर्कल तो पूरा 360 का 360 डिग्रीज का होता है, ठीक है। सो हियर सबसे पहले मैं आप लोगों को शो कर दूं यहाँ पे कि ये जो आपका पूरा सर्कल बनेगा वो पूरा 360 का बनेगा, ठीक है, और उसमें ये फोर एंगल्स आ जाएंगे, x प्लस y प्लस z प्लस w, यानी ये फोर एंगल्स जो है x प्लस y प्लस z प्लस w,
दैट मीन्स इन चारों एंगल्स का प्लस करोगे तो आपको ये पूरा 360 डिग्रीज मिलेगा, ठीक है। सो हियर फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, ओके। चलिए अभी आपको क्या गिवन है वहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। एज आई सेड बिफोर कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कंडीशन होती है, वो आपको पहले मेंशन करना है। सो यहाँ पे हियर जो गिवन है उसको लिख देते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, गिव इट नंबर वन। नंबर वन करके जो हमारा गिवन स्टेटमेंट है उसको हमने ले लिया, ओके। चलिए अब इसका यूज़ करना है यहाँ पे। वंस अगेन x प्लस वाई की प्लेस पे w प्लस जेड रखो, अदरवाइज w प्लस जेड की प्लेस पे x प्लस वाई रखो, ठीक है। बोथ दार इक्वल है दोनों, ठीक है। W प्लस जेड की प्लेस पे आप x प्लस वाई भी रख सकते हो ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। W प्लस जेड रखो या x प्लस वाई रखो, वो दोनों इक्वल ही है। सो यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड ही रखो, W प्लस जेड इक्वल्स टू भी आप x प्लस वाई सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। चॉइस ऑन यू। सो यहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। x प्लस वाई की प्लेस पे W प्लस जेड गिवन है, सो यहाँ x प्लस वाई की प्लेस पे मैं w प्लस जेड सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, प्लस ये z प्लस w एज इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। नाउ देयरफॉर चलिए w प्लस w यानी 2w हो जाएगा, प्लस z प्लस z यानी 2z हो जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, ठीक है। चलिए अभी आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दोनों में 2 एज अ कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो W हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो अंदर Z बचेगा। सो 2 एज अ कॉमन, सो रिमेन्स W प्लस Z इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। चलिए अभी 2 जो है वो पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल टू के अदर साइड जाएगा वो, तो वो नीचे जाएगा 360 के नीचे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्रीज बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में से वो डिवीजन में जाएगा 2, ठीक है। चलिए 360 बाय 2 दैट इज़ 180 डिग्री, देयरफॉर W प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। देखिए क्या प्रूव किया आपने, W प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। नाउ लुक, W प्लस जेड यानी ये नीचे का स्ट्रेट एंगल बना, आप लोग देख लीजिए, ये आपकी AOB लाइन है, और यहाँ पे ये W आपका, ये Z प्लस W यानी पूरा 180 प्रूव कर दिया, दैट मीन्स वो स्ट्रेट एंगल बन गया। अगर ये स्ट्रेट एंगल बना सो हम AOB को लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। सो आपका ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का है, सो वी कैन से AOB इज अ लाइन। सो आपको वहाँ पे लिखना है देयरफॉर, या तो हियर, अच्छा आपने वहाँ पे x प्लस वाई की प्लेस पे w प्लस जेड यूज़ किया है, सो वहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिखना है फ्रॉम वन, ओके। सो हियर x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, देयरफॉर AOB इज अ लाइन, ओके, हैंस योर रिजल्ट इज प्रूव्ड, ओके। नाउ गो फॉर द फिफ्थ वन। सो फिफ्थ में सबसे पहले आपको जो फिगर गिवन है फिगर को अच्छे से समझ लोगे आप
तो मैथमेटिकल स्टेप्स जो है उसमें लिखने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नाउ यहाँ पे ओ गिवन है, आपकी लाइन जो है वो पी क्यू है, दैट मीन्स पी ओ क्यू आपका स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्रीज का, ठीक है। वहाँ पे रे जो है वो ओ आर है एंड दिस इज ओ एस, ये जो है वो आपको परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, दैट मीन्स 90 डिग्री गिवन है। नाउ what is given in figure, POQ is a line, POQ is a line, ठीक है, ray OR is perpendicular to perpendicular to line PQ. OS is another ray. Lying between rays, OP and OR, prove that, क्या प्रूव करना है हम लोगों को, प्रूव दैट, अभी देखो जो प्रूव करना है वो रिजल्ट आपको यहां पे, दैट इज एंगल पी सॉरी आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। सी वंस अगेन इसमें आप लोगों को कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट प्रूव करना है, सिर्फ वहाँ पे गिवन है कि पी ओ क्यू लाइन है और ये परपेंडिकुलर है, अदर देन दैट आप लोगों को कुछ भी गिवन नहीं है। सो क्या प्रोसीजर यूज़ करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, वो सब कुछ आपको सोचना है, जो गिवन है फ्रॉम दैट आप लोगों को कौन से वे में प्रूफ में जाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, सो यहाँ पे हियर पी ओ क्यू इज अ लाइन। अभी देखो पी ओ क्यू जो है वो लाइन है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, दैट मीन्स उसका ये जो स्ट्रेट एंगल बनेगा वो 180 डिग्रीज का होगा, ठीक है। पी ओ क्यू इज अ लाइन, दैट मीन्स ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज का होगा, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू, यानी ये पूरा एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ओके। चलिए इसको दे देते हैं नंबर वन। नाउ अगेन वन मोर थिंग इज दैट, क्या है वहां पे, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, यानी ये जो रे ओ आर है विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, सो यहां पे आपको लिखना है ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। अभी देखो ओ आर इसके परपेंडिकुलर है सो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, सो उसकी वैल्यू लिखते हैं हम देयर फोर। चलिए फ्रॉम वन के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्रीज है, पी एक मिनट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, दैट मीन्स ये जो आपका एंगल 90 डिग्री है वो यहाँ पे पहले मेंशन कर देते हैं। चलिए ये 90 डिग्री, दैट मीन्स आर ओ क्यू,
अदरवाइज क्यू ओ आर, ठीक है, दोनों साइड से आप लिख सकते हो, या तो क्यू ओ आर लिखो या तो आर ओ क्यू लिखो. देयरफोर एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. गिव इट नंबर टू. ठीक है, नाउ फ्रॉम वन, चलिए फ्रॉम वन, आपका वन क्या है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. देयरफोर चलिए पी ओ क्यू, अभी यहाँ पे पी ओ क्यू यानी ये जो 180 डिग्रीज है उसमें कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, एक तो आर ओ क्यू, ठीक है, सो सबसे पहले मैं आर ओ क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, चलिए आर ओ क्यू प्लस दूसरा कौन सा है, आर ओ एस, सो प्लस एंगल आर ओ एस, प्लस थर्ड एंगल कौन सा है यहाँ पे, एस ओ पी, उसको मैं पी ओ एस भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो एस ओ पी है उसको मैं पी ओ एस भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, सो एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ठीक है, वंस अगेन, चलो सबसे पहले आपका ये जो 180 डिग्री है वहाँ पे थ्री एंगल्स बन रहे हैं, एक तो आर ओ क्यू या तो क्यू ओ आर, सबसे पहले वो लिख दिया, फिर दूसरा आर ओ एस ये वाला, फिर ये तीसरा पी ओ एस, तो तीनों का प्लस मैंने लिख दिया ये पूरा 180. ठीक है, चलिए नाउ आर ओ क्यू या तो क्यू ओ आर एक ही है, वो आपको 90 डिग्री वहाँ पे गिवन है, सो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, देयरफॉर 90 डिग्री प्लस आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. चलिए 90 डिग्री को मैं राइट से, अभी यहाँ पे आपने वन का यूज़ किया तो वन लिखना है आपको, ठीक है, आपने पी ओ क्यू जो 180 डिग्री लिखा वो आपने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि वो लाइन है तो वही 180 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, रीज़न होना चाहिए. चलिए सो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 180 डिग्री इज ऑलरेडी देयर, ये जो 90 डिग्री है वो राइट साइड जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, देयरफोर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू, चलो 180 से में से 90 जाएगा तो 90 डिग्रीज. गिव इट नंबर थ्री. अभी देखो आपको यहाँ पे क्या मिला, आर ओ एस प्लस एस ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री आपको यहाँ पे मिला, ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, उस वे में आपको आगे जाना है, क्या फाइंड करना है, एंगल आर ओ एस चाहिए ना आपको, आर ओ एस यानी ये एंगल चाहिए. अभी ये वाला जो एंगल है, ठीक है, वो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ना तो ये 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी में है, ये तो इस तरफ है, ठीक है, पूरा यहाँ से अलग है, तो वहाँ आपको क्या करना है, एडजेसेंट एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपको यूज़ करनी है. अभी एडजेसेंट वाली आपको यहाँ कैसे यूज़ करनी है, सो जो गिवन फिगर है उसको दो पार्ट करके आपको एडजेसेंट एंगल वाली यूज़ करनी है. चलिए सबसे पहले मैं दो पार्ट्स कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आपका ये हो जाएगा, देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट ओ एस एंड ओ क्यू, ठीक है, वो दोनों आर्म्स है और ये ओ आर आपका कॉमन आर्म्स हो जाएगा, ओ एस एंड ओ क्यू जो है वो सेपरेट आर्म्स है दोनों एंगल्स के, और ओ आर जो है वो कॉमन आर्म हो जाएगा, ओ आपका कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, सो सबसे पहले मैं वो फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, ओके चलिए ये आपका कॉमन वर्टेक्स है ओ, ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ये आपका आर, ये एस एंड ये क्यू, ठीक है, सो वहाँ पे अगर मैं एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो क्या हो जाएगा,
एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा यानी एंगल एस ओ आर यानी ये एंगल प्लस एंगल आर ओ क्यू यानी ये एंगल, ठीक है। सो यहाँ पे नाउ अभी देखो ये कोई अलग से ऐसा कुछ आप लोग एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आपको वहाँ पे एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी लिखना है और कुछ भी लिखना नहीं है। सो नाउ एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू इक्वल्स टू, चलिए एस ओ क्यू में कौन कौन से दो एंगल है, एक तो ये वाला दैट मीन्स आर ओ एस या तो एस ओ आर कुछ भी बोल सकते हो, एंगल आर ओ एस प्लस चलिए ये वाला एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स, ओके। चलिए देयरफॉर एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू, चलिए एस ओ क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू इक्वल्स टू आर ओ एस तो एज इट इज रहेगा, उसकी वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। एंड आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री जो गिवन है, सो आर ओ एस एज इट इज, और यहाँ पे आर ओ क्यू की प्लेस पे मैंने 90 डिग्री रख दिया फ्रॉम वन, ओके। चलिए अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो आपको क्या चाहिए, आर ओ एस चाहिए, ठीक है। आपकी यहाँ पे दूसरी पैर क्या बनेगी एडजेसेंट की, देखिए अभी पहले आपने ये पी ओ रे जो है उसको निकाल दिया था, अभी ओ क्यू रे को निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पूरा एंगल पी ओ आर हो जाएगा, ठीक है। बट पी ओ आर तो आपके पास कितना है, यहाँ पे एंगल पी ओ आई यानी 90 डिग्री उन दोनों का प्लस, यहाँ पे आपने प्रूव किया एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो ऑलरेडी आपने प्रूव किया है, ठीक है। एंड बट ऑब्वियस है, देखो ये अगर आपका 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये जो बचा वो भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये एंगल आपका आर ओ पी वो भी 90 डिग्री होगा, आर ओ पी 90 डिग्री, आर ओ पी में कौन कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, आर ओ एस प्लस एस ओ पी, दैट मीन्स आर ओ एस प्लस एस ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, और वही रिजल्ट तो हमने प्रूव किया था, एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ एस, पी ओ एस या एस ओ पी की है ना, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सो सेकंड पेयर जो बन रही है यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स की वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने शो कर दिया है, ठीक है। सो वंस अगेन उसकी दूसरी फिगर बना के नहीं लिखना है। चलिए अभी वहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू गिवन है, सो यहाँ पे 90 डिग्री को ही सब्जेक्ट बनाना है। सो देयरफॉर एस ओ क्यू, ये जो आर ओ एस है उसको मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ तो वो माइनस आर ओ एस हो जाएगा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, गिव इट नंबर 4, ठीक है। चलिए वो हम लोगों ने सम नंबर 3 जो है उसमें क्या किया था, दोनों इक्वेशन 180 वाले मिले थे तो उसको इक्वेट किया था, सेम यहाँ पे इन दोनों का प्लस 90 डिग्री है और यहाँ पे इन दोनों का माइनस 90 डिग्री है, दैट मीन्स वो दोनों इक्वल है। सो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का प्लस इक्वल्स टू इन दोनों का माइनस, क्योंकि बोथ आर ऑफ 90 डिग्रीज, सो फ्रॉम 3 and 4 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस, ठीक है। देयरफॉर अभी देखो आर ओ एस आपका यहाँ पे भी है, आर ओ एस आपका यहाँ पे भी है, तो दोनों को एक तरफ ले लो, यहाँ पे तो आर ओ एस है ही, ये जो माइनस आर ओ एस है उसको मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ तो वो प्लस एंगल आर ओ एस हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल एस ओ क्यू तो है ही, ये जो एंगल पी ओ एस है
उसको मैं राइट साइड ले रहा हूँ तो वो माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंगल आर ओ एस प्लस आर ओ एस, सो यहाँ पे टू एंगल आर ओ एस हो जाएगा इक्वल्स टू, चलिए एस ओ क्यू लिखूँ या क्यू ओ एस लिखूँ एक ही बात है, आपका जो प्रूफ है उसमें क्यू ओ एस गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस लिख रहा हूँ माइनस पी ओ एस। अभी ये जो टू है वो आर ओ एस के मल्टीप्लिकेशन में है, सो वो राइट साइड डिवीजन में जाएगा इस पूरे के नीचे, सो देयरफॉर एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू इन दोनों के नीचे, यानी आगे मैं ऐसे वन बाई टू लिख सकता हूँ, वन बाई टू ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंस योर रिजल्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट गिवन था वो प्रूव हो चुका, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। दो तीन बार अच्छे से करोगे तो आप लोगों को पूरी जो मेथड है वो प्रॉपरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, होमवर्क में आप लोगों को। अभी देखो ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी ये जो चैप्टर है वो आपको वन टाइम नहीं लिखना है, टू टाइम लिखना है। वन टाइम आपको रफ में उसकी प्रैक्टिस करनी है और सेकेंड टाइम अपनी जो ट्यूशन की फेयर बुक है उसमें लिखनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका होमवर्क, जो आपका क्लास वर्क है वो आपको टू टाइम्स करना है, ठीक है, एवरी डे, ठीक है, एवरी डे टू टाइम्स करना है, ठीक है। बाय मिस्टेक अगर कोई दिन मैं बोलना भूल जाता हूँ तो आप लोगों को वो टू टाइम ही करना है पूरा चैप्टर, एग्जाम्पल्स भी टू टाइम करने हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर यानी थ्योरी जो भी मैंने करवाया वो सब कुछ टू टाइम होना चाहिए। ओके सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।